लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है लोगों, कंफ्यूजन हुआ है और कुछ खास बात नहीं है, नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल हो गया, कहीं सेटल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री ने कितनी संवेदनशीलता से कहा उन सारे मामलों की हम आज ही समीक्षा करेंगे, इसमें आपको क्या दिख रहा है? हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है सर, बाद में सब सही हो गया अपना, ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है ठीक है। सवाल ये था कि बार बार लखीसराय का मामला उठाना, बिल्जू छोड़ो ना, लोग अपना छोड़ो, बिल्जू गलत है, अगर मामला अगर आ रहा है, मामले की जांच हो रही है, वो नजर बार बार इस तरह का मामला लाना, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है लोगों, कंफ्यूजन हुआ है और कुछ खास बात नहीं है, नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल हो गया, कहीं सेटल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी जो उस समय कंफ्यूजन के बीच में थोड़ा गुस्से में ये होता है। कांग्रेस कह रही है दर्द कहीं और है, कभी कभी विधायकों के मुंह पर देखने को मिल जाता है। नहीं, आप कांग्रेस क्या बोलता है उससे कोई, आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ था जो बात ठीक हो गई, बात बिगड़ी थी? नहीं, थोड़ा बहुत तो हाउस में जो डिस्कशन होता है उसमें कहीं कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज कौन है, कौन कंफ्यूज लग रहा है, कंफ्यूजन दोनों साइड से थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक ठीक ठीक, इसलिए हम इस पर बाकी कुछ नहीं ठीक। आप लोगों ने शायद ठीक से सुना नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, दोनों ने तो एक ही बात कही है। अरे मोबाइल जिसका हाथ जो विधायिका का अधिकार है, जो कार्यपालिका का अधिकार है, दोनों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करना चाहिए, और अध्यक्ष महोदय ने जो अपने क्षेत्र के मामले की कुछ चर्चा की, मुख्यमंत्री ने कितनी संवेदनशीलता से कहा उन सारे मामलों की हम आज ही समीक्षा करेंगे, इसमें आपको क्या दिख रहा है? जो मामला उठा तो मुख्यमंत्री जी ने विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र पर परिभाषित किया, माननीय अध्यक्ष ने अपने क्षेत्र विशेष के कुछ मामलों के संबंध में बातें की, मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे मामलों को मैं स्वयं देखूंगा, इसमें आप लोगों को क्या चाहिए? जितनी तकनीकी बातें हो उतनी अच्छी है, हमने अभी सदन में हम ही कहा। अब प्रश्न आता है कि आप सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में नामांकन कराना बाध्यकारी करने के लिए कानून बनाइए, तो तकनीकी बात तो कहनी पड़ती है जी, ये संविधान सम्मत नहीं है। संविधान में हम किसी नागरिक को के बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए हम कैसे बाध्य कर सकते हैं? तो ये जब सदन अध्यक्ष रहे तो अपने अध्यक्ष के अनुभव से भी कह रहे हैं कि आज जो बातें हुई हैं उसमें कोई अप्रत्याशित या आश्चर्य की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी नियमों को और संवैधानिक परंपराओं का हवाला देकर चीजों को बताया है, अध्यक्ष जी ने भी कुछ अपने क्षेत्र की मामले को की बात कही है, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन सारी स्थिति की हम आज ही समीक्षा करेंगे, इसमें क्या चैलेंज की बात है? भाई कांग्रेस कर रही है दर्द का।